गिरोह प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन सभागार में विधायक बंधु तिर्की ने किया क्षेत्र के तमाम राशन डीलरों के साथ बैठक। कहा कि आप लोग सिस्टम में आइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में राशन बांट रहे हैं उस क्षेत्र में सही परिवार को, जो गरीब हैं, जिन्हें राशन की जरूरत है, वे नहीं छूटने चाहिए, उन्हें राशन मिलना चाहिए। दूसरी बात, विधायक ने कहा कि जिन्होंने आज तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, वैसे जरूरतमंद परिवार 30 तारीख तक ऑनलाइन अप्लाई करें। जहां कहीं कोई दिक्कत आती है तो डीलर उन्हें सहयोग करें। बीएसओ भी थोड़ी इस ओर ध्यान दें। उन्होंने डीलरों से कहा, चूंकि आप भी सरकार का एक अभिन्न अंग हो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को जागरूक करें, सरकार की योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र के लोगों को मिले। विधायक के साथ बैठक करते हुए डीलरों ने भी अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर विधायक ने बीएसओ व बीडीओ से समस्या के समाधान हेतु उपाय ढूंढने को कहा। विधायक ने डीलरों के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी समस्या सुनी एवं हर संभव निराकरण की बात कही। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ विजय कुमार सोनी, बीएसओ अनी कुमार झा, विधायक प्रतिनिधि खाद्य आपूर्ति विभाग मीर मुस्लिम, नवल किशोर सिंह सहित प्रखंड के तमाम डीलर मौजूद थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। विधायक जी, आपने यहाँ पूरे बेड़ो प्रखंड के डीलरों के साथ बैठक की है, उद्देश्य क्या था? देखिए, जिनका राशन कार्ड में नाम छूट गया है, राशन कार्ड नहीं है और जिसके चलते उनको राशन नहीं मिल पाता है, तो सरकार का ये एक बहुत बड़ा योजना सरकार ने घोषणा की है कि सभी लोगों को राशन कार्ड, जो लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है, उनको राशन कार्ड दिया जाना है और इसके लिए 30 तारीख तक अंतिम तिथि है। तो इसके संबंध में जितने भी यहाँ पर आपके लाइसेंसधारी हैं, आपके जो सारे लोग, जो डीलर लोग हैं, कि उनके द्वारा, चूँकि उनको पूरी चीज़ों की जानकारी भली भांति से है कि कौन आदमी के पास में राशन कार्ड है, वहाँ तक प्रचार प्रसार कर देना है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस बार जो राशन कार्ड बनेगा, ग्रीन राशन कार्ड, उसमें कोई छूटे नहीं। और इसी को लेकर के व्यापक तरीके से तमाम जो डीलर लोगों को समझा दिया गया है और उनसे, चूंकि आप भी एक तरफ से सरकार के एक पार्ट वो हिस्सा हो, आपको भी इस पर आपको ईमानदारी से लगना होगा ताकि कोई लोग छूटे नहीं। और जो सरकार की जो योजना है, ये जो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार की जो योजना है, इस योजना को हम लोगों तक लाभ पहुंचा सकें। और इसी के लिए इन लोगों को, सभी लोगों को टास्क दे दिया गया है। सभी लोग बहुत उत्साहित भी हैं, डीलर लोग, और हम कहे हैं कि भाई थोड़ा काम करने का, थोड़ा कार्यशैली में, सिस्टम में, थोड़ा हम लोगों को सिस्टम से चलना है ताकि लोगों को सही तरीके से योजना का लाभ दिलवाया जा सके।